मतदान जारी है। बीजेपी समेत तमाम दलों के दिग्गजों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया और लोगों से वोट डालने की अपील की। राजधानी की 70 सीटों पर मतदान जारी। किस पार्टी की कितनी मिन्नत होगी पूरी? मतदाताओं में दिख रहा है भारी उत्साह। दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में हो रही कैद। दिल्ली का सियासी दंगल। राजधानी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। जनता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने में जुटी हुई है। सभी पार्टियों के उम्मीदवार की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। दिल्ली में दिग्गज लोगों ने मतदान किया है। हमने अभी वोट दिया है और मैं अपना वोट लोकतंत्र के तहत बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान के तहत मैं अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करके आया हूं और मैं दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करके आया हूं। जनता इस बार अच्छी शिक्षा के लिए वोट दे रही है, 24 घंटे बिजली के लिए वोट दे रही है, काम के लिए वोट दे रही है, शिक्षित राष्ट्र के लिए वोट दे रही है। ये बड़ा पवित्र दिन है एक तरीके से, क्योंकि जब चुनाव का दिन होता है तो वो हमारी एक तो ड्यूटी भी है, राइट भी है, तो हम लोग अपने कर्तव्य का भी पालन करें और साथ में जो राइट है उसको भी हम उपयोग करें। तो हम लोगों को वोट जरूर देना चाहिए और सभी लोगों को बाहर आना चाहिए। मतदान के बाद बीजेपी नेताओं ने कहा, जनता अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। मुद्दे क्या-क्या हैं? देखिए, फैसला तो दिल्ली की जनता ने 15 के बाद 17 में भी सुनाया, 19 में भी सुनाया और लगातार उसने अपना संकेत दिया, लेकिन आज सचमुच में दिल्ली को एक ऐसा अपना भविष्य चुनने का दिन है जिसमें हिंसा न हो, जलती हुई बसें ना हो, घरों में घुसकर नागरिकों को मारती हुई भीड़ ना हो, आम लोगों के रास्ते को रोक करके भारत विरोधी नारे लगाते हुए एक उग्रवादियों का समूह ना हो। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा विकल्प बन के आई है। नरेंद्र मोदी जी के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दिन है और दिल्ली अपने भाग्य का फैसला करेगी। साहब, दिल्ली के चुनाव में बहुत अच्छा माहौल है, इतने दिन कैंपेनिंग की है, सारे दिल्ली में बहुत जगह पर जाने का मौका मिला है, अपनी पार्लियामेंट्री सीट में सब जगह जाने का मौका मिला है, जमीन पे बहुत बड़ा मैसिव सपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको, गरीब बस्ती हो चाहे वो बॉश कॉलोनी हो, सब जगह पर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में बहुत उत्साह है। लगे कि ये रियल टेस्ट है, बाकी और रियल टेस्ट नहीं है। इसके बाद जो अगले इलेक्शन होंगे उनके अपने चैलेंजेस होंगे, दिल्ली का अपना चैलेंज था क्योंकि दिल्ली में आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ लड़ाई लड़ रहे थे जो सिर्फ झूठ पे राजनीति करते हैं, जिन्होंने इतने बड़े बड़े वायदे किए उसके बाद कुछ भी डिलीवर नहीं किए और सिर्फ हर तरीके से गिमिक। तो ये चैलेंज अलग है, जब इसके बाद कोई दूसरा चुनाव होगा उसका चैलेंज कोई और होगा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आई होप कि दिल्ली की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी, क्योंकि हम 20 साल से बाहर हैं और दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है। और मैं जानता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तो दिल्ली दिल्ली का बहुत फ़ायदा होगा, दिल्ली के डेवलपमेंट में भी बहुत फ़ायदा होगा, बिकॉज हम जनरली दिल्ली को दिल्ली। बहरहाल, राजधानी की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करने में जुटी हुई है। सभी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और रिजल्ट 11 फरवरी को आएगा। अब देखने वाली बात होती है कि जनता कौन सी सियासी पार्टी के झोली में कितनी सीटें डालती हैं। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। कानपुर के डीएवी कॉलेज